नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज समुद्र किनारे कुछ ज्यादा ही खामोशी थी। सूरज ढल चुका था और ठंड के दिनों में अंधेरा जल्दी से घिर आया था। ऊपर से आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से चांद की रोशनी भी नहीं आ रही थी। सागर की लहरों के साथ आते हुए ठंडी हवाओं के झोंके मन को तरोताजा कर रहे थे। एक युवक रेत पर बेचैनी से चहलकदमी करते हुए बार बार समुद्र तट के किनारे बैठी एक बुजुर्ग औरत को चोर निगाहों से देख रहा था। वह औरत बहुत कीमती साड़ी पहनकर अकेली बैठी हुई थी, जिसे देखकर उस युवक की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। आसपास एक दो लड़के टहल रहे थे, जिसकी वजह से वो नवयुवक अपना इरादा पूरा करने के लिए मन ही मन आगे की योजना बनाने में लगा हुआ था। वो मन ही मन सोचने लगा कि यह कमबख्त लड़के यहाँ से जाते क्यों नहीं। यह बुढ़िया इतनी देर से यहीं बैठी है, अगर यह यहाँ से चली गई तो मेरा आज का शिकार मेरे हाथों से निकल जाएगा। वह बुदबुदाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि आज सब कुछ सही से हो जाए तो उसकी सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। कितनी अजीब बात है कि गलत इंसान भी बुरा काम करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं। उन्हें यह भी डर नहीं लगता कि गलत प्रार्थना को भगवान स्वीकार नहीं करते होंगे। खैर, थोड़ी देर के बाद समुद्र तट के किनारे घूम रहे वह दोनों युवक भी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। अब तो नव युवक की बाछक खिल उठी। उसने गौर से दाएं और बाएं दूर दूर तक देखा, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और बीच पर कोई भी नहीं था। फिर उसने सावधानी के लिए पीछे भी देख लिया। दूर तक फैला हुआ सन्नाटा पाकर अब उसने एक पल भी गंवाना उचित नहीं समझा और वह तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। वो बूढ़ी औरत अकेली बैठी किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से वह नवयुवक उसके बिल्कुल पास जाकर रेत पर बैठ गया। उसे देखकर वो बुजुर्ग औरत चौंक गई। उस नवयुवक ने पुरानी सी नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जो अंधेरे के कारण और भी काली सी दिख रही थी। उसके कपड़ों से अजीब सी बदबू आ रही थी, शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं था। उसके कपड़ों से दुर्गंध आने के कारण उस बुजुर्ग औरत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उस युवक ने चौकन्नी नजरों से एक बार फिर पीछे की ओर देखा, कहीं कोई भी नहीं था। उसने जींस की जेब में छिपा कर रखा हुआ तेज धार चाकू निकाला और एक झटके से उस बुजुर्ग औरत को चाकू दिखाते हुए बोला, ए बुढ़िया, तेरे पास जितना भी कीमती सामान है सब निकाल कर मुझे दे दे, वरना मुझे इस चाकू को चलाने में देर नहीं लगेगी। वह बुजुर्ग औरत सकपका गई और लड़खड़ाते स्वर में बोली, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, कुछ तो मेरी उम्र का लिहाज करो। वह नवयुवक दांत पीसते हुए बोला, ए बुढ़िया, रात के अंधेरे में तूने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो आज तू ही मेरा शिकार बनेगी। इतना कहकर वो उस बूढ़ी औरत की साड़ी सहलाते हुए बोला, तुझे पता नहीं आजकल जमाना कितना खराब हो गया है, अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता, बोलकर वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उस बुजुर्ग औरत ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बाद वो नवयुवक जल्दी मचाते हुए बोला, चल जल्दी से सारा कीमती सामान निकाल कर मुझे दे दे, मेरे पास तुझसे बहस करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं पूरा समय तेरे साथ झिकझिक करके बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। अचानक से वो बुजुर्ग औरत ठहाका लगाकर हंस पड़ी। उस औरत को इस तरह हंसते हुए देखकर वह नवयुवक गुस्से से बोला, बहुत हंस रही है, सदमे के कारण पगला गई है क्या तू। वह बुजुर्ग औरत बोली कि मैं यहाँ शाम को हवा खाने आई थी, मेरे पास तुम्हें कौन सा कीमती सामान दिखाई दे रहा है जो मैं तुम्हें दे दूं। नवयुवक गुस्से से बोला, तूने इतनी कीमती साड़ी पहनी हुई है, तेरे पास में जरूर मोटी रकम होगी, चुपचाप मुझे अपना पर्स दे दे। वह बुजुर्ग औरत बोली, लेकिन मेरे पास पर्स तो है ही नहीं। नवयुवक फिर से दांत पीसते हुए बोला, तो घड़ी, कोई जेवर, कुछ तो होगा, जो है सब निकाल कर मेरे सामने रख दे। वो बुजुर्ग औरत हंसते हुए बोली, लगता है अंधेरे के कारण तुम्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो चोर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बुढ़िया लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, रुक मैं अभी तेरी तलाशी लेता हूँ। अब वो औरत अचानक से अजीब सी आवाज में कहने लगी, मुझे अब मेरी जान की परवाह क्या रहेगी बेटा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तू मेरा बाल भी वाका नहीं कर सकता। कहते हुए वो एक खौफनाक हंसी हंस पड़ी, जिसे सुनकर वह नवयुवक भीतर तक सिहर उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए।
उसका कंठ सूखने लगा। उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है और तू इस तरह हंसकर मुझे डराना चाहती है क्या? मुंह बंद करके चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बुजुर्ग औरत और भी जोर से हंसते हुए बोली, बेटा तू लाख कोशिश करने के बावजूद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तू तो क्या, दुनिया में अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दर्द और तकलीफ जीवित इंसानों को होती है, समझे बेटा? मैं इस दर्द से बहुत दूर जा चुकी हूँ। फिर वो धीमे से फुसफुसाते हुए बोली, सच कहूँ तो अब मुझे किसी भी तरह के दर्द का एहसास नहीं होता है। मैं बस किसी की तलाश में भटक रही हूँ, अब मुझे किसी से डर भी नहीं लगता है। वो फुसफुसाहट गर्म लावे की तरह उस चोर की नसों में लहर बनकर दौड़ गई। वो औरत अजीब तरीके से हंसने लगी। सन्नाटे में खौफ के मारे वो चोर सिर से लेकर पैर तक पसीने से भीग उठा। वो हकलाते हुए बोला, देखो मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम यहाँ मेरे सामने सही सलामत बैठी हो और बहकी बहकी बातें करके मुझे डराने की कोशिश कर रही हो ना? इस बार वह बुजुर्ग औरत रहस्यमयी स्वर में बोली, बेटा सप्ताह भर पहले यहाँ पर एक बूढ़ी औरत का मर्डर हुआ था, तुम्हें पता है क्या? उस चोर को याद आ गया कि पिछले सप्ताह उस बुजुर्ग औरत की लाश मिलते ही यहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर भी उसने अनजान बनकर इनकार करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता। वो बुजुर्ग औरत उदास स्वर में बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे नहीं पता होने से सच्चाई बदल नहीं जाती। उस बुजुर्ग औरत को भी तुम्हारी तरह कुछ गुंडों ने लूटपाट करने के इरादे से मार डाला था। उसके घर पर अब उसकी एकलौती बेटी अकेली उसे याद करती है और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है। कहते हुए वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसके करुण क्रंदन को सुनकर उस चोर का दिल दहल गया। आज से पहले वो ऐसी अजीब स्थिति में पहले कभी नहीं फंसा था। चोर ने मन को कड़ा करते हुए पूछा, इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता? वह बुजुर्ग औरत रोते हुए बोली, क्योंकि वो औरत मैं ही थी। हाँ बेटा, उस रात उन लोगों ने मुझे मार डाला था। मैं तब से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। मैं जब तक उन लोगों को ढूंढ कर उन्हें सजा नहीं दे देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कहते हुए वह डरावनी आवाज में चिल्लाने लगी और अट्टहास करते हुए हंसने लगी। अब तो उस चोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वह अगले ही पल गश खाकर गिर पड़ा। चाकू उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरा। उस नवयुवक के गिरते ही वो बुजुर्ग औरत उठ खड़ी हुई और उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक साया उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो बुजुर्ग औरत उस साये की तरफ बढ़ने लगी। पास पहुंचकर उस बुजुर्ग औरत को देखते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे मालिनी जी, आपके लिए मैं तब से सड़कों पर भटक रहा हूँ। मालिनी जी ने व्यंग से कहा, शर्मा जी आप बिना बुढ़ापे में बहुत सुस्त पड़ गए हैं। कितने समय पहले मैंने आपको भेलपुरी लाने के लिए कहा था और आप अभी आ रहे हैं। शर्मा जी ने झुंझलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, आपकी फरमाइशें भी तो देर से आती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि बीच पर आने से पहले ही हम नाश्ता ले लेते हैं, लेकिन आपने ही कहा था कि जब खाने का मन करेगा तब खरीद लेंगे। इस चक्कर में मुझे कितनी दूर दौड़ा दिया आपने, अब घर चलें, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मालिनी जी बोली, पहले आप अपना मोबाइल फोन निकालिए और पुलिस को फोन करिए, वहाँ पर एक गुंडा बेहोश पड़ा है। उनके पति आश्चर्य से बोले, क्यों बेहोश क्यों पड़ा है? मालिनी जी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं जी, बेचारा बच्चा मुझे लूटने के लिए आया था। मैंने उसे छोटी सी कहानी सुना दी और वो भूतनी के डर से बेहोश हो गया। ये सुनकर उनके पति आलोक जी ठहाका लगाकर हंस पड़े और कहने लगे कि बेचारा बच्चा आपसे डर गया ना। मैं नहीं कहता था कि आपके साथ रहने वाले को बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। बदले में मालिनी जी ने पति को घूर कर देखा और दोनों एक साथ ठहाका लगाकर हंस पड़े। आज सुबह ही मालिनी जी ने न्यूज़पेपर में उस औरत के बारे में खबर पढ़ी थी और उसी खबर को नमक मिर्च लगाकर उन्होंने उस चोर को सुनाई थी और अपनी सूझबूझ के कारण ही वो सही सलामत खड़ी थी। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ गई और उस चोर को गिरफ्तार करके ले गई। कार में बैठकर आलोक जी बोले, ये रोज गहराई से तुम्हारे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को लेकर मैं तुम्हें कुछ न कुछ सुनाता रहता था, लेकिन आज से तुम्हारे साथ मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है। पति की बात सुनकर मालिनी जी मंद मंद मुस्कुरा उठी और आलोक जी ने कार आगे बढ़ा दी। दोस्तों, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपनी सूझबूझ के सहारे अपनी रक्षा कर सकता है।
क्योंकि शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक बुद्धि का महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।